होठों पर जय श्री राम का नारा और आंखों में आंसू। यहां प्रधानमंत्री मोदी को देखकर एक महिला फूट फूट कर रोने लगी। आसपास लोग भी खड़े थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को देखकर वो खुद को संभाल नहीं पाई। ये नजारा था छपरा का, जहां पीएम सोमवार को अपने चुनावी सभा में पहुंचे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचसीएन न्यूज, मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। 13 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही छपरा पहुंचे और हेलीकॉप्टर से बाहर निकले, इस दौरान उनके स्वागत में बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े थे। प्रधानमंत्री मोदी दो कदम आगे ही बढ़े थे कि एक महिला उनको देखकर खूब रोने लग गई। स्वागत में वो महिला हाथ जोड़े खड़ी थी, लेकिन आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी भी उसका अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये नजारा वहां जिसने भी देखा वो कहीं न कहीं भावुक हो गया। प्रधानमंत्री मोदी को देखकर वो महिला कहने लगी कि आज उसका सपना पूरा हो गया। प्रधानमंत्री मोदी भी खुद को रोक नहीं पाए। अपने चुनावी प्रचार से पहले उस महिला के लिए वो वहीं रुके और हाथ जोड़कर उसका अभिवादन स्वीकार किया। यही नहीं, उन्होंने उसके सर पर हाथ रखकर शांत कराने की कोशिश की और जय श्री राम का नारा वापस लगाया। बता दें कि जिस महिला का वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है, वो सारण महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष कुसुम देवी के साथ वहां पहुंची थी। वो खुद भी भाजपा कार्यकर्ता हैं, जिनका नाम विभा देवी है। बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान विभा देवी ने कहा कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को देखा तो उन्हें लगा जैसे भगवान से भेंट हो गई। यही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो प्रधानमंत्री मोदी की 3 साल से भक्ति कर रही है, लेकिन जब से राम मंदिर बना है तब से वो कुछ ज्यादा ही भक्त हो गई है। फिलहाल महिला का ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अब इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर लिखें और देखते रहें एचसीएन न्यूज। धन्यवाद।